आखिर नरेंद्र मोदी ने जीत तो हासिल की, लेकिन जहां का डंका पूरे चुनाव भर पीटते रहे, वहीं की अयोध्या की जनता ने इनको डंक क्यों मार दिया। यानी बीजेपी जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस तरह के प्रचार करती रही, लेकिन श्री राम ने ही अयोध्या से इस पार्टी को निकाल फेंका। दरअसल राम तो हजारों वर्ष पहले से ही लोगों के मन में वास करते हैं, लेकिन बीजेपी राम के नाम पर पॉलिटिकल मार्केटिंग करती रही। राम मंदिर तो बनाया, लेकिन राम पथ में आए कितने घरों को रास्ते से साफ कर दिया। और यही कारण है कि श्री राम ने भी सोचा कि मेरा मंदिर तो बनाया, लेकिन लोगों के साथ जो किया वो गलत किया, जिसका सबक श्री राम ने अयोध्या से हराकर दे दिया। और कहीं ना कहीं यह बीजेपी को श्री राम की चेतावनी है कि अपनी गलतियों को ठीक करे। आपने कहीं मांग रखी है अपनी किसी प्रकार से? मांग रखी है आपने पहले? जहां जाइए पैसा ही चलता है, कोई सुनने वाला नहीं है। आपके परिवार के लोगों ने भी कार सेवा की होगी मंदिर बनवाने के लिए? हाँ। तो आपके परिवार से सदस्य गए होंगे? बाबा हमारे, पापा, ये लोग गए थे। अपना पैसा लगा के बनवाएंगे, उसके बाद पैसा देना है उनको 15 लाख रुपए। अपना पैसा लगा के? अब जो गरीब है पैसा कहाँ से लाएगा? हैं, अब देखिए मकान टूट रहा हमारा, मंदिर खाली, मने दर्शन करने ले इतना जनता के नहीं बनवाए हैं कि इन सब को टिका लेंगे। और हम लोग कहाँ चले जाएंगे, बाहर मने टिका दो, यहाँ लोग कहाँ चले जाए? दुकान टूट गए अयोध्या के अंदर में, जो कि उनके बच्चे रहते थे, उनके परिवार भी रहते थे, अब वो अयोध्या छिन्न भिन्न हो गया। और लोगों को बांटने की कोशिश ना करे। भाई साहब, तुम हम एक ही प्लेट में खाएं, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि आज हिंदू हिंदू को गाली दे रहा है कि यूपी से तख्ता पलट क्यों किया, लेकिन ये ब्रेन वॉश हुए लोगों को कभी असलियत दिखाया ही नहीं गया। अगर राम मंदिर बनने से लोग बेघर हो रहे हैं और उनको रहने के लिए ओल्ड एज होम मिले, तो ऐसी सरकार को सबक सिखाना तो बनता है। किस्मत की बात है, यहाँ आए, यहाँ वृद्धाश्रम आए के 2 महीना जो दिया, हम 4 दिन 5 दिन भोजन आई है, क्योंकि राम मंदिर नहीं, लोगों की खुशी चाहते हैं। जय श्री राम।